नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आप देख रहे हैं मेरा आसमान, और मेरा आसमान में आज हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद है और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे इंडिया में उनको लाखों करोड़ों लोग जानते हैं और फैंस भी हैं, बच्चे बच्चे भी उनके फैंस रहे हैं। मिलिए बिंदु दारा सिंह से। सर, सबसे पहले तो बताइए कि आपके पिताजी रामानंद सागर रामायण में इतना बेहतरीन किरदार उन्होंने निभाया हनुमान जी का, और आज भी वो दिलों में बसता है। वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी छाप हमारे जहन में है। सबसे पहले शुरुआत वहीं से करेंगे। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है और हमें लगता है कि हनुमान जी का आशीर्वाद हमारी फैमिली पर है, क्योंकि मुझे भी बार बार ये मौका मिलता है उनकी सेवा करने का। जी। मुझे अभी भी याद है, हम बहुत छोटे थे और आई थिंक 1974 की बात है, डैड फर्स्ट टाइम हनुमान जी का काम करने जा रहे थे। पिक्चर का नाम था जय बजरंग बली, और हमने कहा हमें देखनी है शूटिंग, कि हमें देखना है हनुमान जी कैसे बनते हैं। डैडी तो पिक्चरों में बहुत काम करते थे, पर हनुमान जी बनना एक अलग ही बात थी। तो उन्होंने कहा भाई विश्वजीत हीरो है, बहुत लोग हैं, लेकिन अगर तुम्हें चलना है तो बहुत सुबह सुबह चलना पड़ेगा। तो 6 बजे में उठा के ले गए, और फिर हमने देखा किस तरीके से वो हनुमान जी के गेटअप में आए टेपे लगा लगा के। तो इट वॉज वेरी हार्ड, बट आफ्टरवर्ड्स ईजी होता गया और अब काफ़ी ईजी हो गया है। तो रामानंद सागर की जो शूटिंग है उसमें भी हम गए थे, और वहाँ जो एटमोसफियर था ऐसे लग रहा था कि भगवान खुद उतर आए हैं, और ऐसी शूटिंग हो रही थी। तो इट वॉज अमेजिंग, और वो अभी तक आई थिंक कोविड में भी फिर से चला है रामायण, अभी तक चलती है, घर घर में चलती है। तो नहीं भूल सकता, वो हिस्ट्री है। एंड डैड का आशीर्वाद हम पे, हनुमान जी का आशीर्वाद डैड पे, तो हनुमान जी का हमारे पर भी आ ही गया आशीर्वाद। अच्छा, कुछ अपने बारे में बताइए। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, आपने बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, सलमान खान के साथ किया है, अजय देवगन के साथ किया है, अक्षय कुमार के साथ किया है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक आप बहुत बचपन से ही फिल्में करनी आपने शुरू की थी, फिर आपने इसी को ही अपना प्रोफेशन चुना, कुश्ती ना करके आपने बॉलीवुड को चुना, तो कैसा रहा? कुश्ती बहुत ही हार्ड है, वो तो मैं चुन नहीं सकता था। उसमें बहुत मेहनत शिद्दत लगती है, और उसमें आप बिल्कुल कुछ और नहीं सोच सकते। 24 घंटे आपको कुश्ती सोचनी है। तो वो जब डैडी बोलते जिसके जेब में पैसे आ जाए ना, वो पहलवान नहीं बन सकता। तो वो बात भी सच है। और ये जो अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, ये सारे में संजय दत्त, इनको मैं पहले से जानता हूँ, जब ये एक्टर नहीं बने थे। तो इनके साथ काम करने में वो रिलेशन जो है वो कि पहले से जानते हैं, तो कुछ कंफर्ट है, और ऊपर से हम भी बहुत काम कर चुके हैं, तो हमें कोई कैमरे से डर नहीं लगता। तो इनके साथ क्या है, रीटेक नहीं होनी चाहिए। आपकी वजह से, इनकी वजह से रीटेक हो जाए चलेगा, पर आपकी वजह से नहीं होनी चाहिए। तो वो एक जहन में एक्टर रख के चलते, पर उनके साथ बहुत, मैंने 5-5 पिक्चरें अक्षय और सलमान के साथ की, और फिर संजू अजय सबके साथ काम किया है। तो बहुत ही सुकून और खुशी मिलती है इनके साथ काम करने में, और अभी भी हमारे भाई हैं ये, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अच्छा बिंदु जी, इनमें से सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करके आता है? क्योंकि हमने देखा है कि बिंदु जी की जो छवि रही है बॉलीवुड में, या तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में रही है, या एक कॉमेडियन के रूप में रही है। एक रोमांटिक हीरो हमें दिखाई नहीं दिया बिंदु जी में, क्यों? नहीं, क्या होता है कि पिक्चरों में आप टाइपकास्ट हो जाते हैं, तो कॉमेडी सडनली 2000 से मेरे को कॉमेडी मिल रही है। उससे पहले मैंने टीवी के अंदर बहुत विलेनियस रोल्स किए थे, लेकिन वो पिक्चरों में नहीं मिलते, तो होता ऐसे। पर मेन चीज ये है कि कॉमेडी सेट पे अक्षय कुमार को आदत है करने की बहुत ज्यादा, अजय देवगन का भी आदत है, कभी कभी बहुत जोर से कॉमेडी करते हैं, संजू भी करता है, सलमान को चाहिए कुछ मजे होते रहे, कुछ भी उल्टे पुलटे किसी की टांग खींचते रहे। तो ये सब चीजें सेट पे चलती हैं, और बहुत मजा आता है जब आप फिल्म बना रहे होते हो, एक एटमोसफियर बहुत अच्छा होता है, लेकिन कड़ी मेहनत है और उसके बाद वो फिल्म बनती है। तो जो पिक्चरें चलती हैं, हैट्स ऑफ टू देम। बिग बॉस सीजन 16 चल रहा है, 16 सालों से बिग बॉस चल रहा है, और आप बिग बॉस 3 के विनर रहे हैं। और उस टाइम पे वो बिग बॉस बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहा, और बिंदु दारा सिंह जीते तो और ज्यादा लोगों ने दिमाग चलाया कि आखिर कैसे हो सकता है, बिंदु दारा सिंह कैसे जीत सकते हैं, लेकिन वो फैंस का प्यार था। और अमित जी के हाथ से ट्रॉफी लेना, कैसा एक्सपीरियंस था? घर पे कैसे लोग मिले, कैसा माहौल था, कितनी रियलिटी थी? बिग बॉस एक सिर्फ एक ही इकलौता शो है जो पूरा रियल है, क्योंकि एक बार आपको दरवाजे के अंदर डाल दिया उसके बाद कोई कुछ बोलने नहीं आता। तो वो एक शो है जिसमें आपको अपना खुद करना पड़ता है, और मुझे लगता है 16 सीजन में सिर्फ मैं अकेला आदमी हूँ जो बोलता था मैं जीतूंगा, और जीता। बाकी किसी ने आज तक हिम्मत नहीं की बोलने की मैं जीत जाऊंगा बिग बॉस। तो मैं फर्स्ट वीक से
एंड तक बोलता रहा मैं जीतूंगा 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 और पब्लिक ने सच्ची जीता दिया। नहीं जीता तो मुझे तड़ी पार होना पड़ता, इंडिया छोड़ के किधर कोई गाँव गाँव में बसना पड़ता। तो ये बहुत ही हार्ड शो है और इसमें परिस्थितियां बहुत हार्ड आती हैं। तो इसमें जब आप उनसे जूझते हो तो आपकी असलियत पता चलती है। लेकिन बिंदु जी उन परिस्थितियों में टूटे नहीं। अरे टूटे नहीं, लेकिन आप बिलीव नहीं कर सकते, जैसे अमित जी की शक्ल आती थी, अमित जी आते थे और बैठते थे ना, तो मेरे आंसू ही नहीं बंद होते थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैं कैसे रोकूं इन्हों, मैं टिश्यू लेकर बैठता था। तो जैसे वो आ जाए तो मैं साफ करता था, लेकिन रुकते नहीं थे आंसू। तो मतलब ये ऐसा शो है कि आप अंदर घर में किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। और जैसे एक इंसान आता है जिसको आप ट्रस्ट करते हो तो आपका दिल करता है मैं सब बोलूं। ये ऐसा शो है। तो उसमें बहुत हार्ड है, जो कंटेस्टेंट्स के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है। मुझे याद है एक पहलवान हमारे हैं बहुत बड़े, उनकी बेटी गई थी, बोलती है बिंदु मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अंदर मुझे मतलब मैं मर जाऊंगी जब वो जोर से आवाज आती है बिग बॉस चाहते हैं, ऐसा लगता था उसको। तो वो इट्स वेरी डेंजरस शो। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रूप में भी देखा जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके असली मतलब आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके कितने फेस हैं, वो सब दिखाई देता है बिग बॉस में। आपकी जो जर्नी रही, किसके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग रही अगर याद हो तो? अब मुझे राजू भैया के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। राजू भैया को मैंने बहुत समझाया कि भाई हम दोनों यहाँ बैठे हैं, हंसते खेलते जाएंगे और एंड में देखेंगे कौन जीतता है। लेकिन राजू भैया थोड़ा सा उनको भी प्रेशर आ जाता, प्रेशर बहुत ज्यादा है बिग बॉस में। फिर पूनम जी थी, बहुत ही अच्छी नेक औरत और इतना बढ़िया खाना बनाती थी और बहुत अच्छी बातें करती थी। तो बहुत लोग थे, बॉन्डिंग मेरी सबके साथ फर्स्ट क्लास, प्यार वार दोस्ती यारी सबके साथ थी। के आर के था जो हमारी जान खाने के लिए आया था, तो उसके साथ भी बाद में दोस्ती अच्छी थी। अब थोड़ा सा फिर से टूट गई है। मैं तो कभी दोस्ती तोड़ता नहीं, लेकिन जब कोई तोड़ेगा तो फिर हम कुछ नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आजकल हमने पहले हम देखते थे कि जब कोई भी मूवी आती थी, चाहे वो सलमान खान की हो, शाहरुख की हो, आमिर खान की हो या हमारे खिलाड़ी कुमार की हो, क्रेज अलग होता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग कंटेंट देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बॉयकॉट बॉलीवुड, सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। 2022 जो है ऐसे निकल गया, बॉलीवुड के लिए सबसे खराब साल अगर हम कहें तो 2022 रहा। लेकिन पठान ने कमबैक कर लिया और कसर पूरी कर दी है। लेकिन पठान को लेकर भी बवाल हुआ, दीपिका पादुकोण की भगवा बिकनी। क्या लगता है कि मतलब ये जो कंट्रोवर्शियल जानबूझी क्रिएट की गई है ताकि मूवी को और ज्यादा प्रमोशन मिल सके? ऐसा नहीं है, आपको समझ में, कैंप्स हैं, अलग अलग कैंप्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी कैंप्स हैं। ऊपर से कई लोग चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ज्यादा ना चले, तो ये जो बॉयकॉट वाला जो ट्रेंड है ये फालतू में चल रहा है। इसे बंद होना बहुत जरूरी था और पठान ने इसके मुंह पे ऐसा चाटा मारा है कि बॉलीवुड लिखना, बॉयकॉट लिखना डरने लग गए लोग, क्योंकि बॉयकॉट हुआ नहीं। 700 800 करोड़ का पठान क्रॉस कर चुकी है। पर ये गलत बात है कि एक दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया के आने से अब लोग बोलने लगे हैं? पहले अब जरिया नहीं था बोलने का, मूवीज आती थी तो लोग अपने जो इमोशंस थे, जो अपने एक्सप्रेशंस थे, वो नहीं दिखा पाते थे। अब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ट्विटर ले लो, तुरंत ऐसे सेकंड्स में चीजें हो जाती हैं। हमने एक प्ले बनाया, सोशल मीडिया बच के रहना रे बाबा, तो इससे वाकई बच के रहना। अगर आपके मुंह से कुछ गलत निकल गया तो आपके पीछे कोई भी पड़ जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन आपको समझ पड़ेगा कि जो लोग कुछ ऐसी बॉयकॉट और ऐसी चीजें लिख रहे हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ खुन्नस है, कुछ ना कुछ गुस्सा है, कुछ ना कुछ जलन है, तभी वो लिखते हैं। वरना को किसके पास टाइम है किसी को बॉयकॉट करने के लिए? तो ये एक ट्रेंड है जो पैसे खर्चा करके ही चल सकता है, फ्री में ये कभी नहीं चलेगा। बिल्कुल। इसके अलावा चलिए वापस चलते हैं आपके पिताजी पर, दारा सिंह जी को हमने देखा, बहुत ही जो सनातन धर्म के किरदार उन्होंने निभाए हैं, जो हमारे भगवान रहे हनुमान जी, उनका कैरेक्टर हमेशा से फेमस रहा, आज भी जहन में है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जो बॉलीवुड है वो सनातन धर्म के अगेंस्ट चला गया है कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको समझ रहा है, बॉलीवुड के अंदर ऑलवेज हमेशा सारे जाति, सारे प्रांतों के लोग आते हैं। और मेरे पिताजी का कहना था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही हैं भाई भाई। तो हमारी थिंकिंग ऐसी ही है, हम बिलीव नहीं करते ये सब चीज़ों में। लेकिन आई थिंक मोदी जी के आने की वजह से हमारे जो कंट्री है उसके अंदर जो सनातन धर्म जिस तरीके से वापस आ रहा है, जो बहुत जोरों शोरों से आ रहा है, हाँ, इसे आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा इसमें जब आप धर्म कोई भी बात करते हैं, चाहे आप हिंदू बात करें, मुस्लिम बात करें, क्रिश्चियन बात करें, सिख तो खैर हिंदू का ही एक पार्ट है, सारे अच्छी चीज सिखाते हैं। अगर हम उसकी अच्छी चीजें अपनाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा।
तो मोदी जी यही से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो हम सबको पता है कि गॉड है, उसे हम चाहे किसी भी नाम से बुलाएं, तो सनातन धर्म जो हमारा जो धर्म है वो सबसे पुराना एक कब से पीढ़ियों पीढ़ी मतलब कितने हजारों सालों से चलते आ रहा है, तो उसमें अगर हम थोड़ा और जाएंगे तो कंट्री के लिए भी बेटर है। इंडिया इज अ स्पिरिचुअल कंट्री, इसमें कोई डाउट है नहीं, वी आर अ मिस्टिकल लैंड एंड वी आर अ पीसफुल लैंड। तो जो हमें लड़ाई कराने की कोशिश करता है कौमों के बीच में, ऐसे लोगों पर भी लानत है, इन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एवरीबडी हम पैदा होते हैं, हमें रिलीजन कोई हमारे ऊपर ना पैदा होने से ऑटोमेटिक हमारे नाम से रिलीजन आता है, तो इसमें कोई किसी की गलती या कुछ है ना, हमारी भी गलती नहीं है, हम कौन से रिलीजन में पैदा हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, ये डिसाइडेड नहीं होता। एक दूसरे को सपोर्ट करें, अभी हमारे सिख हैं, चाहे कोई भी रिलीजन में किधर भी कोई प्रॉब्लम आएगा, सिख सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, सबसे पहले लंगर लगा देंगे, सबसे पहले हेल्प करेंगे, तो ये हमारी एक फितरत है, हमारे यहाँ से ऐसी आदत है, हमें पूरे इंडिया को ऐसे रखना है, सारे एक साथ रहते थे, कभी जाति प्राति हम सोचते नहीं थे, जब हम छोटे थे हमने कभी नहीं सोचा था कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये ईसाई है, ये पंजाबी है, कुछ नहीं, तो ये अभी आने लग रहा है, इसे रोकना बहुत जरूरी है और सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। चलिए बहुत बढ़िया बात कही आपने। इसके अलावा देखिए 5-6 साल की उम्र में आपने कैमरा फेस करना शुरू कर दिया जी। तब से लेकर अब तक का सफर आपका कैसा रहा, बहुत शॉर्ट में बताइए, और दूसरा ये कि आपने कितना इंडस्ट्री को बदलते हुए देखा है, पहले की इंडस्ट्री और आपकी इंडस्ट्री में कितना फर्क है। बहुत फर्क है, बहुत देखा है हमने अपने लाइफ टाइम में कैसे लोगों का जो थिंकिंग चेंज हुई। हमारे डैडी और सबके टाइम पे पैसे वैसे की बात नहीं होती थी, सीधा बोलते भाई तू मेरी पिक्चर में 10 दिन रेडी रखना, ये डेट फ्री वो फ्री, तो डैडी के लिए हर राज कपूर की पिक्चर में डैडी फ्री, राज कपूर की पूरी फैमिली हमारे डैडी की पिक्चर में फ्री, राजेंद्र कुमार हमारे लिए फ्री, राजेंद्र कुमार के लिए पिक्चर में हम लोग फ्री, देव साहब ऐसे चलता था, तो ये अलग सिस्टम था। अब पहले बोलते भाई पैसे की बात कर ले, पहले इसकी बात कर ले, ये वो ये सब चीजें थोड़ी चेंज हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, फिर फिल्म इंडस्ट्री एक यानी पहले इतनी पिक्चर नहीं लगती थी, अब हर फ्राइडे को 40 पिक्चर लगती है कम से कम पूरी लैंग्वेजेस मिला के, 4 महीने में बन के तैयार हो जाती है। हाँ, फास्ट भी हो गई, थोड़ा एकदम इंडस्ट्री के जैसे काम कर रही है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री को गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह रिकॉग्नाइज नहीं करती, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। लेकिन मोदी जी ने अभी कहा कि बेवजह बॉयकॉट मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल, फिल्म इंडस्ट्री लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरती है, तो अगर आप बॉयकॉट लिखोगे तो उन लाखों करोड़ों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, आप एक हीरो को बुरा बोलने के लिए लाखों करोड़ों लोगों के पेट पे लात मारने की कोशिश करो, विच इज वेरी बैड, आपको इसका जवाब ऊपर जाके देना पड़ेगा। चलिए प्रोफेशन से जुड़ा एक और सवाल कर लेते हैं। सवाल ये कि हमने बिंदु दारा सिंह को बहुत दिनों से ऑन स्क्रीन नहीं देखा है, हम कब देख सकते हैं बिंदु दारा सिंह को ऑन स्क्रीन? अभी पिक्चरें आती रहती हैं, अभी एक पिक्चर लगी थी, वो छोटी पिक्चर है, वो स्वच्छ भारत के ऊपर, बाल नरेन नुसरत भरूचा नहीं वो अलग है, ये बाल नरेन करके एक पिक्चर है, तो इसमें रजनीश दुग्गल है जी। और ये पिक्चर अभी ऑनलाइन आएगी, आपको देखने मिलेगी, तो बहुत जल्दी आप लोग इसे देख सकते हैं। पंजाबी पिक्चर में 2-3 रेडी है वो लगेंगी, नानक नाम जहाज है, फिर एक है उड़ी का तेरिया, फिर एक पिक्चर है स्कैरी गुड़िया, फिर है एक और पिक्चर रेडी है निडर, तो बहुत पिक्चरें आती रहती हैं। लेकिन दो शो मेरे चल रहे हैं, एक है सोशल मीडिया बच के रहना रे बाबा लाइव, और एक है जय श्री राम रामायण लाइव, ये पब्लिक के लिए चलते हैं और लोगों को मजा आता है। चलिए ठीक है, प्रोफेशन बात हो गई, थोड़ा सा पर्सनल आ जाते हैं। पर्सनल ये कि हमने सुना आपने 2 शादी की है। हाँ, पहली शादी की थी, उससे एक बेटा है, बहुत ही हैंडसम बेटा जो पिक्चरों में आने वाला है, और वो शादी नहीं चली, तो मैंने सोचा था और शादी नहीं करूँ, कारण यानी बहुत सारे, एक कारण तो होता नहीं है लेकिन बहुत कारण होते हैं। मैं और फारा हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तब शादी कर ली, और बाद में जब लड़ाइयाँ हुई तो बेटर है कि थोड़ा दूर हो जाओ, पर हमेशा रिलेशन मेंटेन करना चाहिए जब आपका एक बच्चा हो, और हम दोनों का एक बहुत ही प्यारा बेटा है फतेह, तो हम दोनों एक दूसरे से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, और बेटे को मैं इतना ही प्यार करता हूँ जितनी मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, दोनों मेरे लिए तो एक है। तो अब रशियन बीवी है, मैंने पहले सोचा था शादी ही करूंगा लेकिन कर ली, और शुक्र है कर ली, क्योंकि बहुत अच्छी बीवी मिली। अच्छा, कहाँ मिली मुलाकात, कहाँ हुई मुलाकात? ये मॉडलिंग करने आई थी इंडिया, 17-18 साल हो गए इसको, 2005 की बात है, और सब लोग मुझे बोल रहे थे बिंदु तेरी
लाइफ की जो पार्टनर जो ड्रीम पार्टनर आई है मुझे समझ नहीं आया ये क्या मतलब है, लेकिन बाकी ये मेरी लाइफ की ड्रीम पार्टनर होगी, मुझसे पहले मेरे दोस्त समझ गए, कमाल की बात है। तो वाकई हुआ है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। उसने बिजनेस ऐसा स्टार्ट किया है, उसका एक नेम टू रेकन विद, इंडिया का नंबर वन। वो सिर्फ बिंदु दारा सिंह की वाइफ के तौर पर नहीं जानी जाती, उनकी खुद की एक पर्सनालिटी है, खुद कमाल कर दिया अपने आप में, वाकई बड़ा नाम की क्वीन इंडिया की है, इसकी क्वीन। दूसरी बात ये कि नच बलिए भी आप गए, मैम के साथ ही गए थे, लोगों को बहुत प्यार मिला, थोड़ा सा टफ हो गया था क्योंकि डांस एक अलग फील्ड हो गई बिंदु दारा सिंह के लिए, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? हम लोग डांस नॉर्मल वाला कर सकते हैं, लेकिन दीना बहुत प्रोफेशनल टाइप का डांस करती है बहुत अच्छी तरह, तो उसके चक्कर में मुझे भी बहुत प्रैक्टिस करके डांस करना पड़ा। लोग शौक हो गए, बिंदु तूने ऐसे कैसे डांस कर दिया, अरे ये मुझे पीछे से चाबुक मार मार के डांस करा रही थी। मैंने दो तीन हफ्ते के बाद बोला मैं बस कर भाई, ये नहीं होगा मेरे से, लेकिन बहुत चार पांच हफ्ते हमने डांस कर लिया, बहुत कमाल हो गया, पर मजा आया शो करने में, बहुत मजा आया। बिंदु दारा सिंह की लाइफ जितनी एक स्मूथली रही है उससे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी रही है। क्या विवाद बिंदु दारा सिंह जाते हैं विवाद लेकर आते हैं, विवाद खुद आ जाते हैं बिंदु दारा सिंह के पास? मुझे समझ में आ गया कि यदि जो लाइफ जो है वो सीधी ऐसे अप सीधा नहीं जाती, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ये लाइफ का एक पहिया है। और विवाद यानी जो हमारे ऊपर विवाद आया था वो तो बहुत नकली था, वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड विवाद था जो आईपीएल वाला विवाद, तो उसकी वजह से एक चीज अच्छी हो गई कि मैंने जो मेरा सबसे फेवरेट स्पोर्ट था जो मैं बचपन से देखते आ रहा था उसे देखना बंद कर दिया। तो वो जब से मैं 10 साल हो गए एक बॉल क्रिकेट का नहीं देखा, तो बड़ी खुशी होती है, सुकून मिलता है। लेकिन जितने एलिगेशंस लगे उतना बिंदु दारा सिंह एकदम पाक साफ होकर निकलकर सामने आए, नकली थे वो, लोगों को समझ में आ गया कि ये सब नकली है, क्योंकि वो श्रीनिवासन जी को निकालना चाहते थे तो पॉलिटिकली मोटिवेट करके उल्टा पुल्टा करके केस नकली से बनाए। आज तक केस चालू नहीं हुआ और दुखी हुए कि ये केस कब चालू होगा, कब हम बाइज्जत बरी होंगे। तो ये इंडिया का एक प्रॉब्लम है, आई थिंक पॉलिटिकल केसेस अलाउड ही नहीं होने चाहिए। पुलिस पे वो प्रेशर डाल के जब पॉलिटिक्स चलती है तो पुलिस वाले भी बेचारे फंस जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। बिंदु दारा सिंह जी, रुस्तम ए हिंदुस्तान, दारा सिंह जी रुस्तम ए जबान भी, रुस्तम ए हिंदुस्तान भी, और दूसरा हनुमान जी। बिल्कुल। तो जब डिफरेंशिएट करते थे क्योंकि उनके फैंस फिर वो हिंदू सनातन धर्म वाले नहीं रहे, उनके फैंस फिर दूसरी कौम के भी बन गए, तो कितना प्यार वो अपने फैंस से करते थे, थोड़ा सा हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। कैसे लगा कि हाँ हनुमान जी का किरदार उन्हें निभाना चाहिए, उस किरदार में इतना पसंद किया गया कि आज भी हम, पिछला लॉकडाउन का जिक्र किया आपने, लॉकडाउन में भी आज की जो जनरेशन है छोटे छोटे मासूम बच्चों को लोग सिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये है हनुमान जी, एंड लिटरली लोग करते हैं कि हाँ हनुमान जी है। बिल्कुल, ये डैडी जो है उन्हें जो प्यार हासिल किया वही प्यार हमें मिल रहा है, विरासत पे फ्लो कर रहा है। मैं जहां जाता हूँ लोग बोलते हैं दारा जी हमारे घर आए और फोटो दिखा देते हैं, मुझे समझ नहीं आता जब वीडियो कैमरा या जो जो हमारे फोन वाले कैमरे तो थे नहीं, फिर भी सारों के घरों में मेरे पिताजी की फोटो कैसे पहुंच गई, कितने घरों को उनने यानी जो बोलते हैं ना छुआ और कितने लोगों को छुआ, इट्स अनरियल। तो वो जो प्यार है वो हमें भी मिल रहा है, हमारे बच्चे को भी आई होप मिलेगा। तो ऊपर से डैड जो है वो बहुत ही सिंपल आदमी थे, ज्यादा बहुत रिलीजियस नहीं थे, लेकिन हनुमान जी का उनको यानी पहलवान होने के नाते एक जो है हनुमान जी अब बोलते हैं अभी भी हैं, तो हनुमान जी का आशीर्वाद उन पे था। एक और बात मैं जानना चाहूंगी बिंदु दारा सिंह से कि बहुत बार हमने सुना, हो सकता है अफवाहें होती हैं और बॉलीवुड में तो चर्चे होते ही हैं, बट आजकल अफवाहें सच भी हो जाती है। अभी कियारा अडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी हुई है तो अफवाहें थी लेकिन ऑफिशियल कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बिंदु दारा सिंह का नाम बहुत सारी लड़कियों के साथ जुड़ा, कौन सी लड़कियां, लेकिन वो सामने नहीं आ पाया, कौन सी लड़कियां, किस लड़की की बात कर रहे हो? देखो आपको समझना पड़ेगा, हम लोग जब बच्चे थे उस टाइम पे लाइफ बड़ा सिंपल होती थी, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं होती थी, तो हम लोग थे रोज पार्टी करते थे, रोज लड़की के साथ घूमते थे वो। लेकिन अब जब से ये सोशल मीडिया आ गया है और अभी आजकल ये मीटू फीटू आ गया है, तो ये जो बच्चे हैं ये इनकी लाइफ अब चेंज हो चुकी है। ये हमारे जैसे हम लोग जैसे फुल रोज डिस्को जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, वो लाइफ अब नहीं हो सकती। अब बच्चों को बहुत सोचना पड़ता है और बहुत समझ के साफ सुथरा जाना पड़ता है, कोई फंसा ना दे लड़की, बहुत डेंजरस हो गया। तो इट इज अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बॉल गेम फॉर द चिल्ड्रन। उनको बहुत सोच समझ के फूक फूक के अपने कदम रखने पड़ते हैं, स्पेशली स्टार किड्स को, बिकॉज उनके तो ऊपर सबकी नजर है।
अच्छा, फराह मैम से अब कैसे रिलेशन है आपका? फर्स्ट क्लास, वो मेरे बेटे की माँ है, तो रिलेशन तो रहेगा ही। जब भी उसको कोई जरूरत होती है, जब उसको लगता है उसका बेटा थोड़ा भी कुछ टूटा कर रहा है, तब मुझे फोन आ जाता है और तब हम दोनों माँ बाप बन जाते हैं। लेकिन शी इज अ वंडरफुल मदर एंड उसने बहुत ही अच्छी तरह हमारे बेटे को बड़ा किया। इज सच अ वंडरफुल चाइल्ड, तो मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है एंड आई एम ब्लेस्ड विद दैट। मीटू का जिक्र किया आपने, और मैं यही पूछने वाली थी कि मीटू, हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि मीटू लगा के कैंपेन चला, तनुश्री दत्ता शुरू करती हैं, नाना पाटेकर पर लगाती हैं, उसके बाद फिर साजिद खान भी लपेट में आ जाते हैं। लेकिन इस बार बिग बॉस 16 में वो आए, उनकी छवि काफी कुछ अच्छी हुई, शर्लिन चोपड़ा हो गई और भी बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने कहा कि नहीं, आप साजिद खान को बाहर निकालिए, बिग बॉस तो बायस्ड है। तो बिग बॉस क्या वाकई बायस्ड है या सिर्फ साजिद खान की छवि सुधारने के लिए बिग बॉस लेकर आए थे? आपको समझना पड़ेगा, ये मी टू की जो चीज चली है, तो ये जो मी टू है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ चीज चली है। आदमी और औरत अगर 8 साल एक दूसरे के साथ थे और वो उसके 2-4-6 साल साथ में थे और उसके बाद एक दूसरे को छोड़ दिया, तो वो सडनली अब उठ के वो लड़की मीटू लगाने लग जाती है, तो आई थिंक इट इज वेरी अनफेयर ऑन द मैन ऑल्सो। लेकिन कई केसेस राइट भी हैं, तो इसकी वजह से ये जो मूवमेंट चला है इसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि प्लीज बी फेयर एंड सोच समझ के करो, जो जो चीज 20 साल पहले हुई है उसको आप आज बोल रहे हो, तो इट इज नॉट वेरी वेरी गुड। आपको तभी बोलना चाहिए था, तभी वॉइस रेज करनी चाहिए थी, तभी पुलिस के पास जाना चाहिए था। तो दोनों इसके पक्ष राइट एंड रॉन्ग दोनों हैं, पर आई थिंक देखिए आपको समझ में, सब लोग की फितरत अलग होती है, तो जिनने रॉन्ग किया है उनको थोड़ा सा ऊपर वाला जो होता है हेल एंड हेवन इज ऑन अर्थ, यही मिलेगा सब कुछ, तो यहाँ मिल रहा है कईयों को। अच्छा, बिग बॉस 16 को लेकर जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, बिग बॉस 16 में जो 5 कंटेस्टेंट फाइनलिस्ट बचे हैं, आप देखते हैं पहले तो बताइए बिग बॉस 16। मुझे मौका ही नहीं मिल रहा, हमारे ना बहुत लाइव शोज ये वो चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं बिग बॉस सिद्धार्थ शुक्ला के बाद मेरे को देखने का ज्यादा मौका नहीं मिल रहा या दिल नहीं कर रहा। समझ नहीं आ रहा, जब मैं टीवी लगाता हूँ सिड मेरे जहन में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से, और वो एक बिग बॉस को एक ऐसे एक्सट्रीम तक लेके चले गए थे लेवल से, उसके ऊपर मुझे लगा कभी जा नहीं पाएंगे, पर 2 सीजन एवरेज जाने के बाद ये सीजन हिट हुआ है, तो थैंक गॉड फॉर दैट, बिकॉज बिग बॉस एक रियल शो है, तो इसको हिट होना चाहिए और लोगों की फितरत देखने को मिलती है। बट आई डोंट नो हुज गोइंग टू विन, मी द बेस्ट पर्सन विन। मैं इस बार किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जब मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ बाकी सब मुझे बहुत गालियाँ देते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि अगर आप, क्योंकि कलर्स पे आता है बिग बॉस, तो आप कलर्स के चेहरे हैं, कलर्स की बहू हैं या बेटे हैं या दामाद हैं कलर्स के, तो आप बिग बॉस विन करते हैं, क्या पूरी जर्नी मैटर करती है? पूरी जर्नी मैटर करती है और पब्लिक मैटर करती है। आप सोचोगे इस शो के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू, शक्ति कपूर जैसे लोग आके, मनोज तिवारी जैसे लोग आके हार के चले गए, तो प्लीज मत बोलिए कि कुछ भी किसी को पावर होती है, वरना ये हारते नहीं कभी। तो ये बिग बॉस एक रियल शो है और पब्लिक ही बोलेगी कौन जीतेगा। ठीक है, और फर्स्ट टाइम ये सीजन में मुझे लग रहा है कि कोई बोल ही नहीं पा रहा एग्जैक्टली कौन जीतेगा, क्योंकि बहुत लोग का नाम आ रहा है, तो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। शिव ठाकरे हो, प्रियंका चौधरी हो, सबके नाम एमसी स्टैन, मुंबई के जो वो पूरे बादशाह रैपर एकदम बने हुए हैं। दूसरा ये कि अभी हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड किया, कथित तौर पर जो सुसाइड था, हालांकि बाद में रिया चक्रवर्ती उनके कथित गर्लफ्रेंड को जेल भी हुई, उसके भाई को भी हुई, तो क्या कुछ ऐसा हो रहा है बॉलीवुड में कि यहाँ पर नेपोटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और उसकी वजह से नेपोटिज्म तो बकवास है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा हर प्रोफेशन में, पूरे इंडिया में जितने भी प्रोफेशन है, सबके बच्चे अपने माँ बाप के ही प्रोफेशन में जाते हैं, तो आप नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड के लिए बोल रहे, बाकी डॉक्टर के लिए नहीं बोल रहे, लॉयर के लिए बोल रहे, पॉलिटिशियन के लिए बोल रहे, तो इट्स स्टुपिडिटी। लेकिन जो हुआ सुशांत के साथ इट वाज वेरी सैड, एंड वो जो केस लोगों को लग रहा था कि किसी ने मारा तो नहीं, ये तो नहीं, वो अब समझ में आ रहा है कि नहीं मारा शायद, एक तो इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम ही नहीं, पूरे इंडिया के अंदर प्रॉब्लम है ड्रग्स की, तो दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, बट दिस इज अ प्रॉब्लम दैट यू कैन नॉट स्टॉप। ड्रग्स एक ऐसा गंदा नशा है जो पूरे वर्ल्ड में है और ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, तो ये जब तक बनते रहेंगे तब तक बच्चे इसमें फंसते रहेंगे। आप भी उस इंडस्ट्री से कैसे दूर रखा इन सब चीजों से अपने आप को? हम तो भाई पंजाबी लोग हैं, हम तो आपको पता है सिर्फ थोड़ा सा दारू पी लिया तो पी लिया और कुछ नहीं हमने हाथ लगाया। तो ड्रग्स जो है ये बच्चों को खुद समझना पड़ेगा, ये आपकी बॉडी को भी खराब कर रही है, आपकी हेल्थ को भी खराब कर रही है, दिमाग को भी खराब कर रही है। एवरी टाइम यू टेक अ ड्रग योर ब्रेन सेल्स डाई, तो ऐसी चीज क्यों करनी।
लेकिन ये समझ ही नहीं आता ये प्रॉब्लम सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, पूरे इंडिया में नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने के लिए पॉसिबल नहीं है. यू कैनॉट स्टॉप ड्रग्स. इसीलिए इट्स बेटर दैट यू द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर ओन ब्रेन्स कि वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस because it is very bad. लेकिन कहते हैं कि वो चमकती दुनिया में एक काली दुनिया भी है. चमकती दुनिया जब आप कैमरे के सामने हैं, पब्लिक के सामने हैं, इवेंट्स में हैं, एक काली दुनिया जब आप ड्रग्स एडिक्टेड हो जाते हैं. नहीं, ये फिल्म इंडस्ट्री और ड्रग्स को जो आप बोल रहे हो, तो फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स 1% ऑफ इंडिया होगी. 99% ऑफ इंडिया की ड्रग्स बाहर है, जो दूसरे लोग रहे उनके बारे में बोला नहीं जाता. तो हमारे लिए सबके सबके लिए ड्रग्स रोकना बहुत जरूरी है. फिल्म इंडस्ट्री अभी आई थिंक 30-40% लोग ड्रग्स कर रहे हैं, बाकी नहीं करते. जो नहीं करते वो भी इसमें आ जाते हैं. भाई सब लोग करते हैं, तो वो सुनील शेट्टी जी का भाई सारे ड्रग्स नहीं करते भाई. लेकिन ड्रग्स इटसेल्फ इज बैड एंड ये एक बुरी आदत है, जब लग जाती है तो इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है. बट इफ यू रियली गो फॉर इट, आई एम श्योर यू कैन लीव इट. आई होप कि सारे क्वेश्चंस मेरे हो गए हैं, लेकिन अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं. बहुत बहुत प्यार, बस ऐसे ही आप लोग सब आगे बढ़ते रहे, अमन शांति फैलाते रहे और ये देखेंगे इंडिया फर्स्ट, ना कि कोई स्टेट फर्स्ट. और स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स चिल्ड्रन, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड गॉड ब्लेस एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो मेरा आसमान में खास शख्सियत बिंदु दारा सिंह हमारे साथ मौजूद थे. बहुत बातें हुई उनसे, बहुत कुछ उनके बारे में हमने जाना और इंडस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ जाना है. तो ऐसे ही अगले सप्ताह किसी और मेहमान के साथ मुलाकात होगी. तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया.